टीवी का पॉपुलर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन अपने कंटेस्टेंट्स की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। इस बार घर में आम लोगों की एंट्री नहीं करवाई गई है, लेकिन इस घर में एक नाम ऐसा है जो एंट्री से लेकर अब तक विवादों में घिरा हुआ है, जो टीआरपी भी ले रहा है और लड़कियों के अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट भी बना हुआ है। सही समझा है आपने, ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं टीवी की दुनिया के हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला है। इस घर में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स भी हैं और उनकी दीवानी शहनाज गिल है, तो जाहिर है चिंगारियां तो उड़नी है। सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है जो उनका जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रही है, लेकिन बिग बॉस में आने से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला का नाम विवादों में रहा है। अपने टीवी करियर में भी कई वजहों से उन्हें सीरियल छोड़ना पड़ा तो कईयों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। बिग बॉस के घर में टास्क के दौरान उनकी माहिरा शर्मा से झड़प हुई, जहां माहिरा ने उन पर धक्का देने और चोट पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसके चलते उन्हें सीधे 2 हफ्ते के लिए एविक्शन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। बिग बॉस के घर में आने से पहले भी सिद्धार्थ शुक्ला के नाम कई विवाद रहे, आइए बताते हैं आपको। सिद्धार्थ और रश्मि देसाई, जो इन दोनों बिग बॉस के घर के अंदर हैं, एक साथ एक सीरियल में बतौर लीड एक्टर्स काम कर रहे थे। शो को इनकी केमिस्ट्री के कारण काफी पसंद भी किया जा रहा था, लेकिन शो के सेट पर ही इनके बीच काफी लड़ाई हुई थी जो चर्चा में आई। ऐसा भी बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनके बीच काफी खटास देखी जाती है। कई साल पहले सिद्धार्थ रैश ड्राइविंग के मामले में फंस चुके हैं। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के दौरान उन्होंने कंट्रोल खो दिया, जिस कारण 3 लोग घायल हुए थे। तब भी ये मामला मीडिया में छाया हुआ था। सीरियल में काम करने के दौरान सिद्धार्थ अपने को एक्टर कुणाल वर्मा से भी झगड़ चुके हैं, जिसमें सिद्धार्थ ने कुणाल पर पानी फेंक दिया था। कुणाल ने सिद्धार्थ पर हाथापाई का इल्जाम भी लगाया था। सीरियल के सेट्स पर सिद्धार्थ शुक्ला अक्सर नखरे दिखाते, जो क्रू के लिए सरदर्द बन चुका था। वहीं को स्टार्स के साथ अक्सर उनकी लड़ाइयां होती। सिद्धार्थ एक और चर्चित शो में अपनी को स्टार तोरल राजपुत्रा के साथ लड़ाई कर चुके हैं। सीरियल में एक हनीमून सीक्वेंस था, जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों में काफी झगड़ा हुआ और बातचीत बंद हो गई। साल 2014 में सिद्धार्थ शुक्ला पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगा था। नए साल के मौके पर उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में फाइन भरना पड़ा था। टीवी सेलेब्स भी बिग बॉस के लिए सिद्धार्थ को काफी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, तो वहीं सलमान खान का सिद्धार्थ का साइड लेना किसी भी घरवाले को हजम नहीं होता। बिग बॉस के घर में इन दिनों टैंट्रम किंग सिद्धार्थ शुक्ला का अपने सबसे अच्छे दोस्त असीम से मनमुटाव चल रहा है। दोनों के बीच काफी बहस और लड़ाई चल रही है, उनका गुट भी बिखर चुका है। ऐसे में सिद्धार्थ का आगे क्या रुख रहेगा और क्या वो अपना ग्रुप दोबारा जोड़ पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।